हेलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर का अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नो अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर आदमी के द्वारा किए गए बहुत सारे आविष्कारों में से एक बहुत ही ब्रिलियंट आविष्कार है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इनपुट द डेटा, प्रोसेस ऑन इट एंड गिव द आउटपुट। हम इस आउटपुट को सेव कर सकते हैं अपने आगे के कामों के लिए। कंप्यूटर के कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उपयोगिताएं हैं और कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। तो जानते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट है। मीन्स जो काम हम घंटों में करते हैं, कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में वो काम हमें कंप्लीट करके दे देता है। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। दूसरा, एक्यूरेसी आती है। जो भी काम हम करते हैं उसकी एक्यूरेसी आती है। हम चाहे कितनी भी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड करें, उसकी एक्यूरेसी एग्जैक्ट आएगी। मीन्स हमें कंप्यूटर जो रिजल्ट देगा वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जो हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग। वर्सलिटी मीन्स अलग अलग कामों को एक साथ एक टाइम पे करना। कंप्यूटर को हम कई काम एक साथ करा सकते हैं। जैसे मान के चलो आप लोग कुछ टाइप कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना म्यूजिक भी सुन सकते हैं। दो काम हो रहे हैं, कंप्यूटर पे आप टाइप भी कर रहे हैं और म्यूजिक भी साथ साथ सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टोरेज। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर अपनी खुद की हार्ड डिस्क होती है, जिसमें बहुत सारा डेटा वो स्टोर कर लेता है। इसके अलावा आप सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, पोर्टेबल हार्ड डिस्क में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस हैं। नो आईक्यू, इसका को अपना कुछ अपना कोई आईक्यू नहीं है। ये अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाता। आप लोग जो कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे देता है। ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा ह्यूमन बींग। नो फीलिंग्स, इसकी कोई फीलिंग नहीं है, ना इमोशन है, ना टेस्ट है, कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि एक मशीन है। आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। सेल्फ केयर, आप लोग जैसे अपनी केयर करते हैं, ऐसे कंप्यूटर अपनी खुद की केयर नहीं करता, उसकी केयर भी आप लोगों को करनी होती है। हम सब एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसकी केयर के लिए आप टाइम टाइम पर अपने हाथ धोते हैं साबुन से। आप अपनी केयर कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर अपनी केयर नहीं करता। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करें, स्मार्टफोन का यूज़ करें, उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं। बहुत सारे और भी पार्ट हैं, जैसे अभी मैंने बताया टैबलेट्स। कुछ लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कुछ पीडी, ये अलग अलग उसके प्रकार हैं। आज के टाइम में हम अलग अलग तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, टैबलेट्स में यूज़ कर रहे हैं या फिर स्मार्टफोन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं।